अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज नंबर 2.7 विच इज़ अबाउट फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट डस परफेक्ट स्क्वायर मीन? परफेक्ट स्क्वायर इज अ स्क्वायर हूज स्क्वायर रूट इज ऑलवेज अ कम्प्लीट होल नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर इज अ स्क्वायर हूज स्क्वायर रूट इज ऑलवेज अ कम्प्लीट नंबर, कम्प्लीट होल नंबर। And it is as it is clear from the topic that you can find the number of digits in the square root. Without calculation, you can find the number of digits in the square root, not the exact square root. यानी आप आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट नंबर ऑफ डिजिट्स उसमें कितने होंगे ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे टू केसेस हैं कि इफ़ द गिवन स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर ऑल द परफेक्ट स्क्वायर इन द Exercise 2.7, they are all the perfect squares, and there are two cases. If the given perfect square contains the even number of digits, and if the given perfect square contains the odd number of digits. तो यहाँ पर मैंने पहले लिख लिया है कि number of digits in the perfect square is even. ठीक है, अगर तो even होगा तो हम कौन सा rule apply करेंगे, कौन सा formula apply करेंगे, और odd होगा तो हम कौन सा formula apply करेंगे। ठीक है, तो let's start करते हैं हम नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। मैं फर्स्ट केस ले रही हूँ कि इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द परफेक्ट स्क्वायर इज इवन, देन व्हाट फॉर्मूला विल बी अप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन द परफेक्ट स्क्वायर वो n है। ठीक है, उसको हम सपोज कर लेते हैं वो इज इक्वल टू n है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे वो फार्मूला हम डिस्कस करेंगे कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स परफेक्ट स्क्वायर में वो लेट्स सपोज n क्या है, यहाँ पे इवन है, n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे इवन है। ठीक है, और व्हाट रूल विल बी अप्लाइड व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द परफेक्ट स्क्वायर इज इवन? रूल होगा आपका n डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला आपका होगा व्हेन n इज इवन। यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे इवन है। ठीक है, यहाँ पे मुझे स्पेस छोड़नी है दूसरा केस डिस्कस करने के लिए, हमेशा मेरे से आउट ऑफ द बाउंड्री चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स इन द परफेक्ट स्क्वायर अगर इवन है तो दिस फार्मूला विल बी अप्लाइड, दैट्स एन डिवाइडेड बाय 2। यानी जितने आपके नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उन्हें आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके स्क्वायर रूट में जो है वो 2 डिजिट्स आएंगे, 3 डिजिट्स आएंगे, वट एवर डिपेंड्स ऑन द गिवन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हम जो है एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उससे हमें फौरन से पता चल जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, वेरिफिकेशन हम बाद में करेंगे ताकि आप देख लें कि आंसर वही होगा। ठीक है, 837225 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट है 4 आई थिंक 837225। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ये गिवन परफेक्ट स्क्वायर है और इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चेक करते हैं कि इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज किसके बारे में है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स विदाउट कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं, तो अभी हमने क्या फार्मूला किया है कि यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सॉल्यूशन है कि नंबर, लेट मी चेक, ये बाउंड्री से बाहर ना हो। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट्स इन द परफेक्ट स्क्वायर
वो क्या है, 1 2 3 4 5 6, कितने आपके नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इन द गिवन परफेक्ट स्क्वायर, वो है 6। ठीक है, अब इसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि क्या फॉर्मूला है, एन डिवाइडेड बाई टू, तो यहाँ पे एन डिवाइडेड बाई टू इट मीन्स 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट बिकम्स 3, इट मीन्स कि इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स होंगे। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 3 डिजिट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या है, 6 है, और फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे वो क्या है, एन डिवाइडेड बाई टू, दैट्स देयर फोर इट इज इक्वल टू 3। ठीक है, नाउ वी कैन वेरीफाई द रिजल्ट। ठीक है, हम इस रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम वेरीफिकेशन करते हैं, वेरीफिकेशन करने के लिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको आप बाय डिवीजन मेथड कर लें, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से ये काफ़ी जो है लेंथी हो जाएगा, तो इसको मैं इसी से सॉल्व करती हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, 8 3 7 2 2 5, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पेयर करते हैं, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। अब चूज द नंबर हूज परफेक्ट स्क्वायर इज 83 और लेस देन 83, दैट्स 9, 9 9s are 81। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें 3 -1 2, 8 -8 0। अब नेक्स्ट पेयर को नीचे लेकर आए, 9 + 9 18, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हम जो है डिजिट अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट डिजिट जो है वो 272, अगर हम इसको 2 से करेंगे तो इट बिकम्स ग्रेटर देन द 272, दैट्स वाई 1 पुट करें, यहाँ पे भी 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 181। अब सब्ट्रैक्ट करें, 2 - 1 1, 17 - 8 9, ठीक है, ये 91 आ गया, 1 - 1 0। अब हम नेक्स्ट पेयर को नीचे लेकर आएंगे, ठीक है, और 181 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो ये 182, या आप कह सकते हैं 91 × 2 जो है वो भी 182 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर, बिकॉज एट द यूनिट प्लेस देर इज 5, दैट्स वाई आई विल टेक 5, बिकॉज ठीक है यहाँ पे हम 5 लेते हैं, 5 5 5 = 25, 2 कैरी किया, 5 2 = 10 और 2, ठीक है 12, और 8 5 = 141 और 5 1 = 49। ठीक है, ये जो है आपका रिमाइंडर एंड पे 0 आ गया। नाउ यू कैन चेक दैट इन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, ये आपका स्क्वायर रूट है ना, ये आपका जो क्वोशेंट होता है यही आपका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो देयर आर 3 नंबर ऑफ डिजिट्स, और हमने फार्मूला से भी यही जो था दिखा था कि देयर वुड बी द 3 नंबर ऑफ डिजिट्स इन, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। ठीक है, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे एन बाई टू, और यहाँ पे हमने उसको वेरीफाई भी कर लिया, इट मीन्स के आपका स्क्वायर रूट जो है वो भी 3 डिजिट्स पे है, और यहाँ पे आपका जो विदाउट कैलकुलेशन हमने, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 8 3 7 2 2 5 इज इक्वल टू 9 1 5। ठीक है, यहाँ पे देयरफॉर लिखते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ 8 3 7 2 2 5 कंटेन्स 3 डिजिट्स। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।